नमस्कार जी, विशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सुन रहे उसका नाम है जय मिश्रा जेडी और आज मैं लेकर आई हूँ यू कैन हील योर लाइफ का 13th चैप्टर जिसका नाम है स्मृति। और इस किताब को लिखा है लुइस एल हे ने। इसके बाकी के चैप्टर आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी है। और शुरू करते हैं हमारा 13th चैप्टर। मैं सर्वोत्तम चीज़ें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। यदि आप इस निश्चय को अपने लिए सच बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी कथन पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसा खराब और गंदी चीज होती है। पैसा बुराई है। मैं गरीब हूँ लेकिन अच्छा हूँ। अमीर लोग मूर्ख होते हैं। मैं पैसे कमाना और अभिमानी बनना नहीं चाहता। मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कभी पैसे नहीं कमाऊंगा। पैसे जितनी जल्दी आते हैं उससे जल्दी चले जाते हैं। मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। गरीब लोग कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाते। मेरे माता पिता गरीब थे और मैं भी गरीब रहूंगा। कलाकारों को संघर्ष करना पड़ता है। धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास ही धन होता है। दूसरा हर कोई पहले है। मैं अपने काम के इतने पैसे नहीं मांग सकता। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं हूँ। किसी को मत बताओ कि बैंक में कितने पैसे हैं। कभी किसी को उधार मत दो। एक पैसे की बचत एक पैसे कमाना होता है। मुसीबत के समय के लिए बचत करो। निराशा कभी भी आ सकती है। मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है। पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं। इनमें से कितने विचार आपके हैं? क्या आप वास्तव में ये सोचते हैं कि इनमें से किसी पर विश्वास करने से आप समृद्ध हो सकते हैं? ये पुरानी व संकीर्ण सोच है। शायद आपका परिवार पैसे के बारे में इसी तरह सोचता था, क्योंकि पारिवारिक आस्थाएं हमारे साथ रहती हैं, जब तक कि हम सोच समझकर उन्हें छोड़ ना दें। वे जहां से भी आए हों, उसे आपकी चेतना से जाना चाहिए। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं, अगर आप अबंडेंस चाहते हैं, मेरे लिए समृद्धि अपने बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू होती है। ये वो करने की आज़ादी भी है जो आप करना चाहते हैं और जब भी आप उसे करना चाहते हैं। वो पैसे की बात नहीं है, ये मानसिक अवस्था है। समृद्धि या उसका अभाव आपके दिमाग से भरे हुए विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति है। योग्य बनना। यदि हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम अबंडेंस के योग्य हैं, तो धन अगर हमारे ऊपर बरस भी रहा है तो हम किसी न किसी प्रकार उसे अपनाने से इनकार कर देंगे। इस उदाहरण को देखें। मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी अपनी आय बढ़ाने पर काम कर रहा था। वो एक रात उत्साहित होकर कक्षा में आया क्योंकि उसने अभी अभी $500 जीते थे। वो बार बार कहता रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी कुछ नहीं जीता। हम जानते थे कि वो उसकी बदलती चेतना का प्रतिबिंब था। वो अब भी ये महसूस करता था कि वो वास्तव में इसके योग्य नहीं है। अगले सप्ताह वो कक्षा में नहीं आ पाया क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया था। डॉक्टर का बिल $500 का आया। वो एक नई समृद्ध दिशा में आगे बढ़ने से डर रहा था और अयोग्य महसूस कर रहा था, इसलिए उसने इस रूप में खुद को सजा दी। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ती है, इसलिए बिलों पर ध्यान केंद्रित ना करें। यदि आप अभाव और ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अधिक अभाव और ऋण का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में लगातार सप्लाई होती रहती है। उसके प्रति सजग होना शुरू करें। एक स्वच्छ शाम में तारों को गिनें या मुट्ठी में रेत के कणों को, किसी पेड़ की एक शाखा की पत्तियों को, खिड़की के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदों को, एक टमाटर में मौजूद बीजों को गिनने का समय निकालें। हर बीज एक पूरी बेल को जन्म देने में सक्षम है जिस पर अनगिनत टमाटर लग सकते हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करें और आप उसे बढ़ता हुआ पाएंगे। मैं अपने जीवन में वर्तमान में मौजूद चीजों के प्रति प्रेम से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। अपने घर, गर्मी, पानी, रोशनी, टेलीफोन, फर्नीचर, प्लम्बिंग उपकरण, कपड़े, वाहन, नौकरियां और जो पैसा मेरे पास है, मित्र, देखने व महसूस करने और चखने और स्पर्श करने तथा चलने व अद्भुत पृथ्वी का आनंद उठाने की अपनी क्षमता के प्रति ग्रेटफुल रहें। अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास हमें रोकता है। कौन सा विचार आपको रोक रहा है? क्या आप सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं? फिर आप ये कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप अब समृद्धि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
यदि कोई मित्र आपको दोपहर के भोजन या रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है तो उसे खुशी और उत्साह से स्वीकार करें। ये महसूस न करें कि आप सिर्फ लोगों के साथ सौदा कर रहे हैं। यदि आपको कोई उपहार मिलता है तो उसे गरिमा से स्वीकार करें। यदि आप उस उपहार का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसे किसी और को दे दें। चीजों को अपने से होकर आगे बढ़ने दें। बस मुस्कुरा कर धन्यवाद करें। इस रूप में आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप जिन अच्छी चीजों के हकदार हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। नए के लिए जगह बनाएं। अपना रेफ्रिजरेटर साफ करें। फॉल में लिपटी छोटी छोटी चीजों को फेंक दें। अपनी अलमारियों को साफ करें। पिछले लगभग 6 महीने में आपने जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया उनसे छुटकारा पा लें। यदि आपने उसे साल भर से इस्तेमाल नहीं किया तो जरूर उसे अपने घर से बाहर फेंक दें। उसे बेच दें, किसी को दे दें या जला दें। अनऑर्गेनाइज्ड अलमारियों का अर्थ है अनऑर्गेनाइज्ड मन मस्तिष्क। जब आप अलमारियां साफ कर रहे हों अपने आप से कहें, मैं अपने मन मस्तिष्क की अलमारियां साफ कर रहा हूं। ब्रह्मांड प्रतीकात्मक संकेतों को पसंद करता है। जब मैंने पहली बार ये अवधारणा सुनी कि हर किसी को ब्रह्मांड की चीजें प्रचुर मात्रा में प्राप्त है तो मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया। मैंने अपने आप से कहा, सभी गरीब लोगों को देखो, अपनी ही खत्म ना होने वाली गरीबी को देखो। ये सुनकर मुझे क्रोध आता था कि तुम्हारी गरीबी केवल तुम्हारी आत्मा का एक विश्वास है। मुझे ये विश्वास करने और स्वीकार करने में कई वर्ष लग गए कि धन के अभाव के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मेरी इस धारणा में अयोग्य हूँ और धन की हकदार नहीं हूँ। पैसा कमाना कठिन है और कि मुझ में वैसी प्रतिभा और क्षमता नहीं है। इन चीजों ने मुझे अभाव की मानसिक अवस्था में अटकाए रखा। धन का प्रदर्शन सबसे आसान है। इस कथन के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इसे मानते हैं? क्या आपको क्रोध आ रहा है? क्या आप उदासीन हैं? क्या आप इस पुस्तक को कमरे में दूसरी तरफ फेंकने को तैयार हैं? यदि आपकी प्रतिक्रिया इनमें से एक है तो अच्छा है। मैंने आपके भीतर कुछ छू लिया है जो सच्चाई के प्रतिरोध का बिंदु है। इसी जगह ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपके लिए धन और सभी अच्छी चीजों को अपनी ओर प्रवाहित होने की क्षमता के प्रति अपने आप को खोलने का समय है। अपने बिलों से प्यार करें। ये जरूरी है कि हम पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दें और अपने बिलों को देखकर नाराजगी व्यक्त करना बंद कर दें। कई लोग बिलों को यदि संभव हो तो टालने वाली सजा के रूप में देखते हैं। बिल हमारी भुगतान करने की क्षमता की एक स्वीकृति है। ऋणदाता मानता है कि आप पर्याप्त संपन्न हैं और वो आपको ये सेवा या उत्पाद देता है। मैं अपने घर पर आने वाले हर बिल को प्यार से लेती हूँ। मैं लिखे जाने वाले हर चेक को प्यार से देखती हूँ और उसे प्यार से चूमती हूँ। यदि आप नाराजगी के साथ भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने में हिचकिचाहट दिखाता है। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं तो आप अपनी और धन का मुक्त प्रवाह खोल देते हैं। अपने पैसे को अपना मित्र माने, ना कि कोई ऐसी चीज जो आप अपने जेब में ठूस लेते हैं। आपकी सुरक्षा, आपकी नौकरी, आपका बैंक खाता या आपके निवेश या आपका जीवन साथी आपके माता पिता नहीं है। आपकी सुरक्षा उस परम शक्ति से जुड़ने की आपकी क्षमता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। मैं ये सोचना पसंद करती हूँ कि मेरे अंदर की वो शक्ति जो मुझे जीवन देती है वही शक्ति है जो मुझे वो सब कुछ देती है जिसकी मुझे ज़रूरत है, और वो भी बहुत आसानी और सरलता से। ब्रह्मांड बहुत उदार और धनवान है और अपनी आवश्यकता की हर चीज़ प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जब तक हम इसके विपरीत ना विश्वास करें। मैं जितनी बार अपना टेलीफोन इस्तेमाल करती हूँ इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ और अक्सर ये कहती हूँ कि वो मेरे लिए सिर्फ संपन्नता और प्रेम की अभिव्यक्तियाँ लाता है। मैं ऐसा ही अपने मेल बॉक्स के साथ करती हूँ और हर दिन धन और मित्रों व क्लाइंटों और मेरी पुस्तक के सुदूर पाठकों के प्रेम पत्रों से भरा होता है। मैं आने वाले बिलों को देखकर खुश होती हूँ और कंपनियों को मेरी भुगतान करने की क्षमता पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने दरवाजे के घंटे और बाहरी दरवाजे का आभार मानती हूँ क्योंकि केवल अच्छी चीज़ें मेरे घर में आती हैं। मैं अपने जीवन के बेहतर और सुखी होने की उम्मीद करती हूँ और ऐसा ही होता है। ये विचार हर किसी के लिए हैं। वो व्यक्ति एक हुकर था और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था।
इसलिए वो संपन्नता के एक स्तर के लिए मेरे पास आया। उसने महसूस किया कि वो अपने व्यवसाय में दक्ष है और वह वर्ष में $1,00,000 कमाना चाहता था। मैंने उसे वही उपाय बताए जो मैं आपको बता रही हूँ और जल्दी ही उसके पास काफी धन हो गया। उसने घर पर काफी समय बिताना शुरू कर दिया। वो अपने सदा बढ़ते निवेशों का आनंद उठाना चाहता था, दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को और ना टालें कि किसी के पास आपसे अधिक धन है। इस बात की आलोचना ना करें कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन है। बस अपने विचारों का ध्यान रखें, किसी और के सौभाग्य को सराहें और ये याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है। क्या आप कंजूसी से टिप देते हैं? क्या आप वॉशरूम के कर्मचारियों के सामने दंभपूर्ण बातें कहते हैं? क्या आप क्रिसमस के समय अपने कार्यालय या अपार्टमेंट भवन में कुलियों को उपेक्षित करते हैं? क्या आप जरूरत ना होने पर भी पैसे बचाते हैं और पुराने सब्जियां ब्रेड खरीदते हैं? क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं या क्या आप हमेशा मेन्यू के सबसे सस्ते व्यंजन का ऑर्डर करते हैं? दुनिया में मांग और आपूर्ति का नियम है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड पहले आता है, धन की जहां आवश्यकता होती है वहां वो पहुंच जाता है। गरीब से गरीब परिवार लगभग हमेशा किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा लेता है। कल्पना, धन का समुद्र। समृद्धि के प्रति अपनी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है। आपकी तरफ पैसे का प्रवाह आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। जैसे आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए ये कल्पना करना बहुत पसंद है। ये जानना कि समुद्र अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों की ओर देखें और देखें कि आपने किस प्रकार का बर्तन पकड़ रखा है। वो चाय का चम्मच है या कोई छिद्र वाला छल्ला है, पेपर कप है, ग्लास है, बाल्टी है या वॉश टब है, या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है जो अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें और देखें कि चाहे वहां कितने भी लोग हों और चाहे उनके पास किसी प्रकार का बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। आप दूसरे से छीन नहीं सकते और वे आपसे छीन नहीं सकते और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा नहीं सकते। आपका बर्तन आपकी चेतना है और उसे हमेशा एक बड़े बर्तन से बदला जा सकता है। विस्तार और असीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए इस अभ्यास को अक्सर करें। अक्सर सोचें कि धन का समुद्र है। अपनी बाहों को खोलें। मैं दिन में कम से कम एक बार अपनी बाहें दोनों ओर फैलाती हूं और कहती हूं, मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ये मुझे विस्तार का एहसास देता है। ब्रह्मांड केवल वो मुझे वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है और मैं हमेशा अपनी चेतना में अधिक उत्पन्न कर सकती हूँ। वो एक ब्रह्मांडी बैंक की तरह होता है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा करती हूँ। ध्यान, उपचार और प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी हैं। चलिए दैनिक जमा करने की आदत बनाएं। केवल अधिक धन होना पर्याप्त नहीं है, हम उस पैसे का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाजत देते हैं? यदि नहीं तो क्यों? आप जो भी अर्जित करते हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपने पिछले सप्ताह अपने पैसे को मनोरंजन पर खर्च किया था? क्यों नहीं? कौन सी पुरानी धारणा आपको रोक रही है? उसे जाने दें। पैसे का आपके जीवन में एक गंभीर विषय होना जरूरी नहीं है। उसे अपने दृष्टिकोण में डाल दें। पैसा विनिमय का एक साधन है, खरीद फरोख्त का साधन है, बस इतना ही है। यदि आपको पैसे की आवश्यकता ना हो तो आप क्या करेंगे और आपके पास क्या होगा? हमें पैसे के बारे में अपनी धारणाओं को हिलाने की जरूरत है। मैंने पैसे के बजाय सेक्सुअलिटी पर सेमिनार को संबोधित करना आसान पाया है। लोग बहुत रुष्ट हो जाते हैं जब पैसे के बारे में उनकी धारणाओं को चुनौती मिलती है। यहाँ तक कि अपने जीवन में अधिक धन कमाने की तीव्र इच्छा लेकर सेमिनार में आने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं जब मैं उनकी संकुचित धारणाओं को बदलने का प्रयास करती हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ।
कभी कभी हमें समृद्धि उत्पन्न करने के लिए जगह बनाने हेतु इन दो दृढ़ निश्चयों के साथ बहुत काम करना पड़ता है। हम स्थिर आय की मानसिकता को छोड़ना चाहते हैं, ये कहते हुए ब्रह्मांड को सीमित ना करें कि आपका केवल एक निश्चित वेतन या आय है। वो वेतन या आय एक माध्यम है, वो आपका स्रोत नहीं है। आपकी आपूर्ति एक स्रोत से होती है, स्वयं ब्रह्मांड से। माध्यमों की अनगिनत संख्या है, हमें अपने आप को उनके लिए खोल देना चाहिए। हमें अपनी चेतना में ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि सप्लाई कहीं से भी और हर जगह से आ सकती है। फिर जब हम सड़क पर चलते हैं और हमें एक पैसा मिलता है तो हम स्रोत को धन्यवाद करते हैं, हम सोर्स को थैंक यू कहते हैं। वो छोटा हो सकता है लेकिन नए माध्यम खुलना शुरू हो जाते हैं। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के नए माध्यमों का स्वागत करता हूँ। अब मैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित स्रोतों से अपना हक प्राप्त करता हूँ। मैं एक असीमित प्राणी हूँ जो एक असीमित रूप में एक असीमित स्रोत से कुछ स्वीकार कर रहा है। छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाएं। जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता के बारे में अपनी धारणाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने पर काम कर रही थी। उसका एक निश्चय था, मैं एक लेखिका होने के नाते अच्छे पैसे कमा रही हूँ। 3 दिन बाद वो एक कॉफी शॉप में गई जहाँ वो अक्सर नाश्ता करती थी। वो एक बूथ में बैठी, वहाँ कुछ कागजों को निकाल कर रखा जिन पर वो काम कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और पूछा, आप एक लेखिका है ना, क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगी? इसके बाद वो कई छोटे खाली टेंट साइन लाया और पूछा कि क्या वो हर कार्ड पर ऐसा लिख देंगी, टर्की लॉन्चियन स्पेशल $3.95। उसके बाद उसने लेखिका को मुफ्त नाश्ता देने का प्रस्ताव रखा। इस छोटी सी घटना ने उसकी चेतनामय परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया और बाद में उसने अपनी कृतियां बेची। संपन्नता को पहचाने, हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें और उसमें आनंद ली। न्यूयॉर्क सिटी के प्रसिद्ध इवेंजलिस्ट रेवरेंड आइक को याद है कि एक गरीब धर्म उपदेशक के रूप में वो अच्छे रेस्तराओं और घरों तथा ऑटोमोबाइल व कपड़े की फैक्ट्रियों के पास से गुजरते थे और जोर जोर से कहते थे, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है। अच्छे घरों और बैंकों तथा हर तरह के लिए बढ़िया स्टोरों व शोरूमों और नौकाओं को आपके लिए खुशी प्रदान करने की अनुमति दी। ये पहचाने कि ये सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है और यदि आप चाहें तो आप इन चीजों का साझेदार बनने के लिए अपनी चेतना को विस्तृत कर रहे हैं। यदि आप सुसज्जित लोगों को देखते हैं तो ये सोचें, क्या ये बढ़िया नहीं है कि उनके पास इतनी संपत्ति है? हम सबके लिए काफी कुछ है। हम किसी और की उन्नति नहीं चाहते, हम अपनी समृद्धि चाहते हैं और फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता। हम केवल चीजों को एक निश्चित समय अवधि के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वह किसी और के पास नहीं चली जाती। कभी कभार कोई चीज एक परिवार में कई पीढ़ियों तक रह सकती है लेकिन आखिरकार वो आगे चली जाएगी। जीवन की एक प्राकृतिक लय और प्रवाह है, चीजें आती हैं और जाती हैं। मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज जाती है तो वो केवल कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए होता है। प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं फिर भी वे प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। मैंने कई उभरते नायकों और नायिकाओं को देखा है जो स्टार बनना चाहते थे फिर भी जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तो वे असहज हो जाते थे। प्रशंसा समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमापूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखें। मेरी माँ ने शुरुआत में ही मुझे सराहना या उपहार पाने पर मुस्कुराकर धन्यवाद कहना सिखाया। ये सलाह मेरे पूरे जीवन में एक अमूल्य संपत्ति रही है। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना और भी बेहतर होता है क्योंकि इससे सराहना करने वाले को ऐसा महसूस होता है मानो उसे कोई उपहार दिया गया हो। ये सद्भावना का प्रवाह बनाए रखना है। लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने में सक्षम होने का आनंद उठाने, जीवित होने, स्वस्थ रहने, मित्रों के होने, रचनात्मकता दिखाने, जीवन के उल्लास का एक जीवंत उदाहरण होने पर प्रसन्न हो, अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर तक जिएं, अपनी रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद लें, जीवन की अनंतता में
जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाले समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने से पहले पूरी हो जाती हैं। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है और मैं ऐसे विकल्प चुनती हूँ जो मेरे लिए लाभदायक हों। मैं दूसरों की सफलताओं से खुश होती हूँ, जानते हुए कि हम सबके लिए बहुत कुछ है। मैं लगातार अबंडेंस का अपना सजग ज्ञान से बढ़ता हुआ देख रही हूँ और ये मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंबित हो रहा है। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। और ये था इस किताब का 13th chapter। मुझे उम्मीद है आपको ये किताब या मेरी आवाज़ या वीडियो कुछ भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप खरीद सकते हैं। ये एक एफिलिएट लिंक है, अगर आप यहाँ से कुछ खरीदते हैं तो उससे मुझे लाभ मिलेगा। और अच्छी चीज़ें अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, तो शेयर कर दीजिएगा। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत